स्मोग की शिद्दत में कमी, लाहौर और मुल्तान में भी तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। सूबे भर में बच्चों का तालीमी अमल जारी रहेगा। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क लाजमी करार। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकातकार भी तब्दील। फूड आउटलेट्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। उधर पंजाब भर में इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 17 भट्टे मिसमार, दर्जनों गाड़ियों के चलान मुतअद्दिद को बंद कर दिया गया। अमेरिका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी और पुलिस अहलकारों के अगवा पर तश्वीश का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाया। हमारे दिल क्वेटा में 9 नवंबर के धमाके के मुतासरीन के साथ हैं। मुतासर खानदानों से हमदर्दी है। दहशतगर्दी रोकने के लिए हुकूमती रहनुमाओं से बातचीत के लिए पुरअज़्म हैं। सिविलियन और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए जामे फौजी ऑपरेशन का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। नेक्टा को दोबारा फाल करने पर इतफाक। इंटेलिजेंस शेयरिंग और खतरात की तशखीस के मराकज़ कायम होंगे। सूबाई अपेक्स कमेटियों की ज़ेर निगरानी ज़िले राबता कमेटियाँ बनेगी। इजलास का एलामिया। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम और जराइम के गठजोड़ के खिलाफ मुश्तरका इकदामात किए जाएंगे। तखरीबकारी और गुमराह कुन मालूमात का फैलाव रोकने के लिए कसीर अलजहती काविशों पर भी इतफाक। इजलास में वज़ीर आज़म ने सियासी इतफाक राय और मस्बत कौमी बयानी के फरोग पर जोर दिया। कहा, मिशन अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई अहम है। विफाक और सूबों की अव्वलिन तरजीह दहशतगर्दी की अफरीद का सर कुचलना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आवाम की हिफाजत और दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाक फौज की अज़्म का इयादा किया। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका सर को इसका कुचल दें, उसके बाद इट्स अबाउट इकोनॉमी, इट्स अबाउट उसके बाद इट्स अबाउट प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। नंबर वन इज दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर दो दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर तीन दहशतगर्दी का खात्मा। मेरे और आर्मी चीफ के पास दहशतगर्दी को कुचलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमारा पहला, दूसरा और आखिरी ऑप्शन दहशतगर्दी का खात्मा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। कहा, नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, अब दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया है। इस नासूर को ख़त्म ना किया तो सब कोशिशें सिफर हो जाएंगी। वज़ीर आज़म का क़याम अमन के लिए जवानों और अफसरों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, मईशत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। मुआशी तरक्की के लिए सूबों का तावुन और आर्मी चीफ की काविश काबिले सताइश है। अब हमें फैसला करना है कि धरने और लॉन्ग मार्च करें या मुल्की तरक्की के लिए काम करें। अदब से दरख्वास्त है, बैठकर सोचें और फैसला करें। जो कोई भी सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा उससे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। कहा, गवर्नेंस में मौजूद खामियों का अजाला रोजाना की बुनियाद पर शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। आइन हम सब पर मुकदम है। आइन ही हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। इस जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुजाकरात की इजाज़त दे दी। अडियाला जेल में वजीर आला केपी की बानी चेयरमैन से तफसीली मुलाकात। एपेक्स कमेटी इजलास और एहतजाज की तैयारियों से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक बानी ने कहा, मुजाकरात सिर्फ उनसे किए जाए जिनके पास पावर है। मुजाकरात के लिए मुतालिबात पेश किए जाएंगे, मुतालिबात तस्लीम होने तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। अलीमा खान बोली, बानी ने एस्टेब्लिशमेंट से मुजाकरात की इजाज़त दी, बातचीत के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया। चोरीशुदा मैंडेट की वापसी शर्त है। मैंडेट वापस मिल गया तो 24 नवंबर का एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैठक। 24 नवंबर के एहतजाज पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से भी अहम मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने अपेक्स कमेटी में बानी पीटीआई की कैद और बेगुनाही पर हल्की फुल्की बात की। 99% बात सूबे में दहशतगर्दी के हवाले से की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए 9 मई का पुल अबूर करना होगा।
अगर वो बज़िद हैं कि 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधर सकेंगे। वफाकी वज़ीर मंसूबा बंदी एहसन इकबाल बोले, किसी को किसी सियासी बात का कोई सियासी जवाब नहीं मिला। एपेक्स कमेटी इजलास का दो टोक पैगाम था कि सियासी और माशी बहाली के हवाले से किसी को खेलने नहीं देंगे। शायद पीटीआई के समझदार लोग बानी को कायल करने में कामयाब हो जाएं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का बंदोबस्त, वजारत दाखिला ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम का फैसला कर लिया। कोई आया तो सामना पुलिस, एफसी और रेंजर से होगा। सिक्योरिटी एहलकारों के लिए रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के शेल खरीदने की मंजूरी। 2000 बेल्ट गन्स भी खरीदी जाएंगी। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई भी होगी। शरपसंदी करने वाले तालिबे इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। शरपसंद अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक हो सकती है। पंजाब पुलिस ने भी तैयारियां कर ली। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मजबूरी में बैठी है। एतहाद करके वोटों की कुर्बानी दी मगर एतहादियों ने सबक नहीं सीखा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का शिकवा, बोले बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से वादे ना निभाने पर इजहार नाराजगी किया। ये मामलात अब हाई लेवल पर चले गए, आगे का लाहे अमल सीईसी में तय होगा। गवर्नर पंजाब ने पुरम एहतजाज हर जमात का सियासी हक करार दे दिया। कराची के इलाके कारसाज में नामालूम अफराद की फायरिंग। 92 न्यूज के क्राइम रिपोर्टर नदीम अहमद जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का डीआईजी ईस्ट और डीआईजी सीटीडी से राबता, मुलजिमान की जल्द शिनाख्त मुमकिन बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला सिंध का 92 न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर पर फायरिंग का नोटिस, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट भी तलब। वज़ीर-ए-इत्तला'आत सिंध शर्जील मेमन की वाकये की मजम्मत, मुलजिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। पीएफयूजे समेत सहाफती तंजीमों की मजम्मत, सदर पीएफयूजे जेएम जमाली और सेक्रेटरी जनरल राना अजीम ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया। अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी की भी 92 न्यूज़ के रिपोर्टर नदीम पर हमले की मजम्मत, सिंध हुकूमत से हमले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात, दो तरफा तालुकात और सरमायाकारी मंसूबों में पेश रफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में 2.8 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा, नायब वज़ीर दाखिला का दौरा हसास शोबों में तआवुन के हवाले से फरीकैन को करीब लाने में मदद देगा। पाकिस्तानी अवाम वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पुर्त पाक इस्तकबाल के मुंतजिर हैं। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान में तायुनात, अमरीकी सफीर डोनल्ड बलूम की मुलाकात, पाक अमरीका तालुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का शानदार आगाज। पाकिस्तान के तैयार करदा दिफाई साजो सामान तवज्जो का मरकज बन गए। जंगी हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, बहरी जहाज आबदोजे नुमाइश का हिस्सा। मिसाइल सिस्टम, साइबर डिफेंस टोल्स, रिडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी नुमाइश में पेश। मकामी कंपनियों की जानिब से नए दिफाई मसनूआत मुतारिफ कराई गईं। चीन, तुर्की समेत 55 ममालिक के 550 से ज्यादा नुमाइश कुनंदगान शरीक। ईरान, इटली और बरतानिया के भी पहली बार नुमाइश में शिरकत। यूक्रेन ने रूस पर तवील फासले तक मार करने वाले अमरीकी मेजाइल बरसा दिए। हमले में आर्मी टैक्टिकल बैलिस्टिक मेजाइलों का इस्तेमाल किया गया। ब्रांसिक के इलाके को निशाना बनाया गया। रूस का 6 में से 5 मेजाइल मार गिराने का दावा। फौजी तनसीबात में मामूली आग लगी जिसे बुझा दिया गया। रूस ने एटमी हमले से बचाव के लिए मोबाइल पनागाहें बनाना शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक एटमी धमाके से शॉक वेव्स और ताबकारी समेत मुतादद खतरात से बचाया जा सकेगा। पनागाहें खतरात से 48 घंटे तक तहफ़ फराहम कर सकती हैं। कंटेनर नुमा कमरे में 54 अफराद हंगामी तौर पर रह सकेंगे। इसराइल के जनूबी लेबनान में वहशियाना वार जारी, मजीद 30 अफराद शहीद।
अक्वामे मुताहिदा की अमन फौज पर फिर हमला। घाना के 4 फौजी जख्मी। हिजबुल्ला के साथ झड़पों में 1 इसराइली फौजी मारा गया। दूसरी जानिब गजा में भी दहशतगर्दी जारी। फजाई हमले में 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मगरबी किनारे में भी कातिल फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी जाम शहादत नौश कर गए। गजा में शहदा की मजमुई तादाद 43,972 हो गई। 1,04,000 से ज्यादा जख्मी। हमास का मज़ाकरात वफ्द दोहा में मौजूद नहीं, कतर की हुकूमत का ऐलामिया। तर्जुमान वजारत खारजा माजिद अल अंसारी के मुताबिक हमास की मज़ाकराती टीम में शामिल रहनुमा दोहा में नहीं है, लेकिन इनके सियासी दफ्तर को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का फैसला भी नहीं किया गया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा जिनके खात्मे के बाद हमास गजा पर हुकूमत नहीं करेगी। इसराइली कैदियों की रहाई की कोशिशें तर्क नहीं की। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट लॉन्च करने का कामयाब तजुर्बा। 20 मंजिला सुपर हैवी रॉकेट को मिड फ्लाइट के बाद कामयाबी से वापस उतार लिया गया। रॉकेट ने बहीरा हिंद में हदफ पर महफूज लैंडिंग की। मिशन का मकसद चांद और मरीख पर खलाबाजों को पहुंचाने के बाद बाहिफाजत जमीन पर उतारना है। लॉन्चिंग तकरीब में 9 मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की भी शिरकत। एलोन मस्क के मिशन की तारीफ की। भारतीय मौसीकार ए आर रहमान की अहलिया का शादी के 29 साल बाद शोहर से अलहदगी का ऐलान। सायरा की वकील ने जोड़े में अलहदगी की खबर शेयर की। कहा दोनों के दरमियान नाकाबिल हल इख्तलाफात तलाक की वजह बने। सायरा के लिए अलहदगी का फैसला बहुत मुश्किल और अजियत का बायस रहा। ए आर रहमान और सायरा बानो की शादी 1995 में हुई। दोनों के 3 बच्चे। और इंकलाब जिद्दत और शख्सी आज़ादी के अलमबरदार शायर फैज़ अहमद फैज़ की बरसी। फैज़ ने तरक्की पसंद सोच और नज़रियात को शायरी का रंग दिया। इंसान पर इंसान के जबर की रोदात सुनाई, हमेशा मज़लूम की आवाज़ बने। दुनिया से कूच कर जाने के 40 बरस बाद भी उनकी शायरी हर खासो आम में मकबूल।